हेलो दोस्तों, इबास पिटारा में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप सबको अच्छे ही होंगे। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में मैंने बनाया है क्वेश्चन कवर, जिसमें मैंने क्वेश्चन कवर बनाना भी सिखाया हुआ है विद दिस आर्ट। मैंने इसमें वर्ली आर्ट बनाया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देखिए, और ये भी है। इसमें मैंने बहुत बेसिक सा डिजाइन जो हमारा वर्ली का होता है वही मैंने किया हुआ है। प्लस इस वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन बनाना भी बताया हुआ है। नॉर्मली हमारा ये जिप वाला जो क्वेश्चन होता है ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये बना जो है ये फोल्ड वाला है, ये जिप खराब होने का टेंशन भी नहीं रहता है और ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कुशन कवर बनाने के लिए मैंने सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है। इनका मेजरमेंट मैंने लिया है 17 इंच बाय 35 इंच। ये हमारा स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है कुशन कवर बनाने के लिए। तो देखिए मैंने फैब्रिक ले लिया हुआ है, इसमें स्टिचिंग करेंगे हम लोग। तो मैंने पहले ही बता दिया इसका मेजरमेंट 17 बाय 35 इंच। तो सबसे पहले हम लोग इसके दो एंड को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमें ये सिलाई हो जाने के बाद दो साइड से हमें मार्क करना है। तो देखिए मार्किंग करने के लिए मैं ये टेलरिंग पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि आसानी से टूटता नहीं है, जैसे कि हमारा चॉक नॉर्मली टूट जाता है। तो ये बेटर होगा, आप इस तरह का पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एंड से मार्क करेंगे 8 इंचेस पे। तो इसके अपोजिट में भी हम लोग इस तरह से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। देन हमारे दूसरे साइड पे हम लोग मार्क करेंगे 12 इंचेस पे। तभी हमें सबसे पहले 8 इंच जो हमने मार्क किया हुआ था उस वहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। देन 12 इंच से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। बोथ साइड से हम क्लिप करके सिक्योर कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए हमारा स्टिच हो गया और क्वेश्चन भी रेडी हो गया। कितना आसान है ना ये बनाना। चलिए पलट के देखते हैं ये कैसे बना है। देखिए कितने आसानी से, कितना ईजीली हमारा ये बन गया क्वेश्चन कवर। इस तरह से मैंने बाकी क्वेश्चन से बना लिया है। तो चलिए अभी पेंटिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग आज वर्ली आर्ट करने वाले हैं। वर्ली का जो सबसे बेसिक डिज़ाइन होता है मैं वही करने वाली हूँ, बट पेंटिंग शुरू करने से पहले मैंने इसके अंदर भी पेपर फोल्ड करके डाल लिया है, ताकि पीछे ये ना चिपक जाए या प्रिंट ना हो जाए। नॉर्मली हम लोग वर्ली आर्ट में जब हम लोग कोई इंसान का ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली हमें 3 लाइन ड्रॉ करना जरूरी होता है, लेग पार्ट के लिए, लोअर बॉडी पार्ट के लिए और अपर बॉडी पार्ट के लिए। तो बस आगे देखते जाइए मैं इसे कैसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये काफ़ी ईजी वे में मैंने बताया हुआ है, आप आसानी से इसे सीख जाएंगे और कर सकते हैं। तो देखिए पेंट करने के लिए मैं फैब्रिक रिल का एक रेली कलर यूज़ कर रही हूँ व्हाइट। देन मैं ये कैमलिन का 9 नंबर ब्रश यूज़ कर रही हूँ। हमारे बहुत सारे टाइप के आर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, तो आपका उसमें से वर्ली आर्ट एक बहुत ही इजी आर्ट होता है। आप ये आर्ट करके वॉल डेकोर पीस, वॉल पेंटिंग, फ्लावर्स, कुशन कवर, पिल्लू कवर, बेडशीट, सोफ़ा कवर्स वगैरह, इवन दुपट्टा और साड़ी वगैरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्ली आर्ट का बेनिफिट एक ये है कि आपको इच फिगर को प्रॉपरली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, बट एट द सेम टाइम आप हर चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो थ्रू वर्ली आर्ट।
आप अगर दुपट्टा डिज़ाइन करते हैं तो एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप नॉर्मली अपने जो ड्रेस पीस है कुर्ती का, वो प्लेन रख के उसके साथ कॉन्ट्रास्ट में इस तरीके का वर्ली आर्ट पेंट करके आप दुपट्टा बना सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लासी लगेगा। मैं एक तरह इस तरह का वीडियो ज़रूर आपके लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो देखिए हमारा कुशन कवर रेडी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है ना ये। चलिए हम लोग नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा वाइट कुशन कवर है, तो इसके ऊपर मैं डार्क ब्राउन कलर का, मतलब जो पहले वाली हमने बनाया हुआ है उसी के कॉन्ट्रास्ट में ही मैं ये बनाने वाली हूँ। तो इसके ऊपर भी पहले हम लोग मार्क कर लेंगे, उसके बाद पेंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली मैं ये टेलरिंग पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो आपका वॉश करने के बाद आराम से निकल भी जाएगी। वर्ली आर्ट का ये जो ट्री डिज़ाइन होता है, ये रियल में काफ़ी खूबसूरत लगता है। मुझे ये बनाने के लिए काफ़ी अच्छा लगा, आपको भी मैं होप करती हूँ कि बनाने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। आप कुशन के साथ मैचिंग करके इसके कॉन्ट्रास्ट में सोफ़ा का कवर भी बना सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगेगा विथ टेसल्स लगा के। तो देखिए हमारा ये कुशन कवर भी बनके रेडी हो गया, लग रहा है ना कितना अच्छा। इस तरह से हमारा सारा कुशन कवर रेडी हो गया, तो देखने में लग रहा है ना कितना अच्छा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपको उसका नोटिफिकेशन झट से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।